Hi students, this is your new grammar chapter, chapter 15, verbs. Verbs means जो भी action हम लोग normally जो भी करें, जैसे मैम ने आपको teach कर रही है, पढ़ा रही है, अपनी videos को seen कर रहे हैं, normally इसी कोई सोचा जाता है. जो भी हम लोग डूइंग वर्ड जो कर रहे हैं इसी को वर्ब बोला जाता है. बट ये भी होता है, ही इज अ बॉय, दिस इज अ कैट. मतलब जो सामने वाले ये क्या है, ये इंसान है, ये एनिमल्स हैं, ये थिंग्स हैं, वो क्या है, वो भी हम लोग वर्ब से पता कर लेते हैं. एंड वो क्या थी, क्या है उनके पास, वो भी वर्ब जो यूज होता है उसी से हम लोग सेंटेंस में पता कर लेते हैं कि वो चीज जो है वो उनसे बिलोंग करते हैं. तो वर्ब ये नहीं कि बस डूइंग वर्ड, एक्शन, मूविंग, जो चीज हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसी को ही हम लोग वर्ब बोलते हैं. इस जगह में रीड करिए, वर्ड्स लाइक प्लेस, गोस, इज, क्राइंग आर एक्शन वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन डज और इज डूइंग. सच वर्ड व्हिच टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड वर्ब. लेट अस नो मोर अबाउट वर्ब्स. नॉर्मली यही हम लोग जैसे ज्योति प्लेज द पियानो, मतलब ज्योति पियानो बजा रही है, शशि गोज टू स्कूल, शशि स्कूल जा रही है, मतलब जाती है, द बेबी इज क्राइंग, बेबी रो रही है. सो ये तीनों जो हैं, प्लेज, गोज, इज क्राइंग, इसी को हम लोग डूइंग वर्ड बोलते हैं. कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये तो वर्ब है, इस हम लोगों को पता है. इससे अलावा किसको हम लोग वर्ब और बोलते हैं. अ वर्ब मेनली टेल अस थ्री थिंग्स क्या है, व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स. डज मतलब क्या कर रहे हैं वो पर्सन, वो एनिमल, वो थिंग्स, क्या पूरा एक्शन उसके बारे में जो अभी हम लोग रीड किए. व्हाट अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स इज, मतलब वो क्या है. ही इज अ टीचर, तो ही इज अ टीचर, इस सेंटेंस में इज से पता चल जाते कि वो एक टीचर है. व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स हैज, मतलब उनके पास है. आई हैव अ स्केच पेन, आई हैव अ ब्लैक स्केच पेन, तो मेरे पास एक ब्लैक स्केच पेन है, ये भी आप वर्ब से ही पता कर लेते हैं. सो ये भी हम लोग वर्ब के अंदर ही आएगा कि आपके पास क्या है, आप कौन हैं एंड आप क्या कर रहे हो. सो आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि एक पर्सन, एनिमल और थिंग्स, डास मतलब क्या कर रहा है, व्हाट अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग इज मतलब क्या है, व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग हैज, ये तीनों जो चीज है सारा चीज वर्ब के अंदर आते हैं. और आप जैसे जैसे रीड करोगे इसके बारे में आप और भी अच्छे से जान पाओगे. वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स डज. द बॉयज प्लेज इन द गार्डन, ज्योति गोज टू स्कूल, सी स्टडीज वेरी हार्ड. द वर्ड प्लेज, गोज एंड स्टडीज एक्सप्रेस एक्शन. They tell what person or things do. Example of verb that belongs to these categories are come, call, read and so on. मतलब ऐसे ही सारे वर्ड को हम लोग वर्ब के अंदर रखते हैं. एग्जाम्पल के मीनू इज अ स्टूडेंट, इज राहुल विल बी हैप्पी टू हियर द न्यूज. मतलब राहुल खुश होगा इस खबर को सुन के. मिसेज वर्मा वॉज अ काइंड लेडी, मिसेज वर्मा एक काइंड लेडी थी. द वर्ड इज विल बी वर्स टेल अस अबाउट मीना, राहुल एंड मिसेज वर्मा के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं कि इज
विल बी वर्स ये सारे वर्ब वर्ड है ओके दिस वर्ड्स डू नॉट टेल अस व्हाट दिस पर्सन आर डूइंग ये वर्ड से हम लोग ये नहीं पता कर पा रहे कि ये लोग क्या कर रहे मतलब इनका मूवमेंट नहीं बता रहे दे टेल अस व्हाट दे आर ओके हियर आर सम वर्ब दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज इज आर एम वाज वेयर विल बी शैल बी इसी से ये सब वर्ब वर्ड है एंड इसी से हम लोग पता कर लेते हैं वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन एनिमल्स और थिंग्स हैज एग्जाम्पल रीना एंड टीना हैव अ न्यू पेट टीना एंड रीना के पास एक न्यू पेट है द डॉग हैज अ स्मॉल टेल डॉग के पास जो टेल है वो स्मॉल है द वर्ड हैव एंड हैज शो व्हाट बिलोंग्स टू रीना एंड टीना एंड द डॉग मोर अबाउट वर्ब वर्ब के बारे में और क्या है अ वर्ब कैन बी मेड ऑफ अ सिंगल वर्ड सी राइट्स गुड स्टोरीज वो एक अच्छा स्टोरी लिखी है टू वर्ड्स वाले देखिए आई हैव मेड पिज्जा फॉर यू हैव मेड वन टू टू वर्ड्स से आ गए थ्री वर्ड्स वाले ही विल बी लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टूडे वो आज से मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहने लगेंगे अ वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेंटेंस के अंदर बाकी के अंदर विदाउट इट वी कैनॉट फॉर्म आर सेंटेंस वर्ब के छोड़ के हम लोग कभी भी एक गुड क्वालिटी के सेंटेंस नहीं मेक कर सकते नहीं बन सकते इम्पॉसिबल सोच लीजिए देखिए मीना टू स्कूल तानिया प्रीटी डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक कम्प्लीट सेंस नो आपको बिल्कुल कम्प्लीटली पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली बोल क्या है तानिया प्रीटी मीना टू स्कूल कैसे आप बता सकते हैं नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस मीना इज गोइंग टू स्कूल क्लियर हो गया कि मीना स्कूल जा रही है तानिया इज प्रीटी मतलब तानिया प्रीटी हैं नाउ वी कैन सी दैट आफ्टर एडिंग प्रॉपर वर्ब द अबव सेंटेंस मेक कंप्लीट सेंस अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन करना है देखिए मैं हमने पहले से जैसे ईट इज बिल्डिंग बिल्डिंग भी वर्ब है इज भी वर्स विल हेल्प दोनों आर ओके आर गुड दे आर गुड इन साइंस दोनों ही होगा गो टू नेक्स्ट पेज सो आपको अंडरलाइन करना है पीडीएफ तो जाएगा आप खुद से करिए उसके बाद फिर जब पीडीएफ आपके पास जाएगा आप मैचअप करिए कोई अगर आपसे मिस्टेक हुए होंगे तो आप इरेज करके फिर करेक्ट कर लीजिएगा अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट एक्शन इफ इट इज इंक्लूडिंग एक्शन बीइंग इफ इट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज and belongs if it show what a person has aapko read karna hai sare sentence ko now the following words are nouns matlab ye sare noun hain write verbs matching them aapko write karna hai verb matlab un जो है जैसे singer singer क्या करते हैं sing करते हैं teacher teach करते हैं राइटर राइट करते हैं सोल्डर फाइट करते हैं ये सारे आपको क्लू दे मतलब आपको खुद से जैसे बीच बीच में लेटर्स ड्रॉप किए गए हैं रेस्ट ऑफ लेटर आप खुद से राइट करोगे पेंटर पेंट करते हैं बर्ड्स फ्लाई करते हैं ये सारे आपको फिल करना है मैम ने कुछ टीचर टीच टी ए सी एच teach unscramble the letters in the bracket to make verbs fill in the blanks with them unscramble means letters ko aage piche jaise t e a t matlab to jo cha cha
चार जो बोलते हैं, चाय हम लोग ड्रिंक करते हैं उसको टी बोलते हैं, लेकिन आई टी एन एप्पल वेरी एवरी डे, ये कैसे हो गया? मतलब टी को हम लोग अरेंज करके ईट करेंगे, ई ए टी, ए ही लेटर्स रहेगा, ई ए टी ईट। सो आई ईट एन एप्पल एवरी डे, तो एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया कि हम हर रोज एक एप्पल ईट करते हैं। द वॉशरमैन यूजुअली वर्सेस आवर क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, जो ये वर्ड है अनस्क्रम्बल है, इसको आपको अरेंज करके वॉशरमैन वॉश करते हैं। सो द वॉशरमैन यूजुअली वर्सेस आवर क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, आपको फिल करना है ऐसे। टर्न टू नेक्स्ट पेज। नाउ क्रॉस वर्ड, अक्रॉस एंड डाउन, डाउन मीन्स नीचे आएगा, अक्रॉस मीन्स ऐसे जाएगा। ये भी आप लोग इतने दिन में समझ चुके होंगे, बट मैम ने थोड़ा सा हिंट दे रहे, आप खुद से फील करिएगा, पीडीएफ तो जाएगा ही। अक्रॉस मतलब ऐसे हम लोग फील करेंगे। फर्स्ट क्या है, वी लेटर्स, तो वी राइट लेटर्स, राइट होगा, देखिए डब्ल्यू आर आर डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, वी राइट लेटर्स। अगर ऊपर से नीचे आना है, जैसे वी द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइड करते हैं, उसमें चढ़ते हैं, सो वी राइड द बाईसाइकिल। डोंट सिक्स नंबर देखिए, अक्रॉस में सिक्स नंबर, अक्रॉस वेरी सिक्स सिक्स, वी डोंट इन द क्लास, सो टॉक होगा, डोंट टॉक इन द क्लास, टी ए एल के, डोंट टॉक इन द क्लास। सो आपको ऐसे रीड करना है, रीड करोगे तो आप धीरे धीरे आपके पास से वर्ड आते जाएगा जो हम लोग फील कर सकते, जो वर्ब से रिलेट है, वर्ब वर्ड है वो। लेट्स रिवाइज, हाय आई एम अ वर्ब, आई टेल यू द फॉलोइंग, व्हाट अ नाउन डास, मतलब नाउन क्या करे, द गर्ल सिंग्स, सो सिंग जो है ये वर्ब हो गया। व्हाट अ नाउन इज, एग्जाम्पल सी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज, वो ऑनेस्ट है, वो सत्य है, जो सच बात करते हैं उसको हम लोग ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बोलते हैं। व्हाट अ नाउन हैज, ही हैज अ लॉन्ग हेयर, उनके पास लंबे बाल हैं, सो हैज, हैज ई सिंग्स, ये सारे क्या हैं जो बोल्ड लेटर लेटर्स में हैं, ये सारे वर्ड है जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। सो स्टूडेंट यू रीड दिस चैप्टर माइनॉर्डली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्ब, अगर वर्ब का यूज ठीक से नहीं होगा तो आपका सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो मीनिंग सही नहीं होगा, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ओके बाय बाय।